सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए एंड अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ्स का पार्ट 6 वेक्टर्स के बारे में, और उसके लिए इस टॉपिक से आपके अप्रोक्स 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैथ्स के मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए थे, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो उससे हम जब भी ये आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डॉट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए, तो यहां से निकाल लेंगे, और थीटा निकालने के लिए आएगा एंगल ऑफ द वेक्टर, यहां से निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमारा जो थीटा होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये कौन सी कंडीशन हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन पर क्वेश्चन आते हैं, आप इस कंडीशन को देख लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ए की डायरेक्शन में अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है, और बी और मोड ऑफ ए, ठीक है, और उसी तरह से जब ए का प्रोजेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और उसके बाद बी वेक्टर। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्मूले भी देख लीजिए, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू दी है 2i + λj + k, और बी वेक्टर की दी है 4i - 2j - 2k, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का हमने देखा था, परपेंडिकुलर क्या होता था, ए इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2i + λj + k, और उसके बाद फिर यहाँ पर डॉट में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 4i - 2j - 2k, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई वाली टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 2 = 8, ठीक है, तो ये आ गया 8, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो उसके बाद फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2λ, और इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। सो 2λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और λ की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी वेक्टर आर द 2 वेक्टर है, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, बी वेक्टर की वैल्यू दी है 1, और ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दी है √3, तो फाइंड द एंगल बोला है। ठीक है, डॉट वाले वेक्टर में क्या फॉर्मूला होता था, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसके बाद मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप याद ही कर लीजिए, और उसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी कितनी दी है, 2 × 1, ये, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू √3 दी है, और ए वेक्टर की वैल्यू दी है 2, तो ये क्या हो जाएगी, 2 × 1, और वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, ठीक है, इक्वल्स टू cos 30। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद कॉस की जो वैल्यू होती है √3/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पर होती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, तो एंगल बताना हमें कितना होता है। तो ये वाला हमने देखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है साइन थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो आ गई हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी ए डॉट वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, दोनों बराबर थी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो ये दोनों भी कट जाएगी। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वन, और टेन थीटा वन कब होता है, जब एंगल हमारा होता है 45 डिग्री, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, मल्टीप्लाई वेक्टर में और डॉट वेक्टर में। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था वो व्यापम के एसआई एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया था। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन इन वेक्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बतानी हमें, वेक्टर है 7i + j + 4k, और किस वेक्टर पर है, 7i + j - 3k। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर हमने ले लिया 7i + j + 4k। ठीक है, और बी वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पर 7i + j - 3k। तो हमने जब भी पढ़ा था वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहाँ पर हो रहा है, वेक्टर बी में, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, फॉर्मूला होता था ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, बी वेक्टर का मोड आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा ए बी पर होगा और बी का प्रोजेक्शन ए पर होगा, तो उसके अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर की हमारे जितनी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, 7i + j + 4k। ठीक है, और उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 7i + j - 3k, और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ। तो बी वेक्टर का हमारे कितना था, 7 का स्क्वायर कर लेंगे 49, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचा, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का, 7 हो गया, 7 × 49, जे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और 4 × -3 कर लेंगे तो -12, और इसका टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा √59। उसके इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 − 12 = 38/√59। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन की। तो वेक्टर प्रोजेक्शन जब भी ए से लेके हमारा बी तक होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और बी बार। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, 7i + j - 4k। नाउ यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 7i + j - 3k। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका बी कम ये डाल देंगे, तो कितना आ रहा था हमारे पास टोटल, 59। नाउ फ्रेंड्स, बी इसकी वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7i + j - 3k। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो उसके अपॉन में वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसी की आ जाएगी, 7² 49 + 1 - 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो 7 × 7 = 49 + 1, और फिर ये कितना हो जाएगा, -12, और ये हो गया √59। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 7i + j - 3k, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टोटल मिला के 15 √59। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 38, और √√ निकाल के हमारे पास आ जाएगा 59, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 7i + j - 3k। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में जो हमने निकाला था, हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन में, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और उससे पहले हमने जो डाला था स्केलर प्रोजेक्शन का, तो स्केलर प्रोजेक्शन के दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और ये वाला भी। ठीक है फ्रेंड्स,
नो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स 2i-3j+2k एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सच दैट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुआ है. पॉइंट ए दिया है 3, 4, 5 और पॉइंट बी दिया है 1, 2, 3. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वर्क डन निकालना है. फोर्स दिया है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. और पार्टिकल हमारे कितना डिस्प्लेस हुआ है ए से लेके बी तक, 3, 4, 5 से लेके 1, 2, 3 तक गया है. ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पर ए निकाल लेते हैं. ए कितना आएगा हमारे पास, जो वेक्टर का आएगा 3i+4j+5k. ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बी की जो आएगा वो आएगा हमारे पास आई, 1i हो गया, +2j+3k. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास आई, डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर बी से लेके, पार्टिकल ए से लेके बी तक गया है, तो डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे i+2j+3k से माइनस कर देंगे किसको, 3i+4j+5k. ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -2i और 2j से यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2j, एक सेकेंड, यहाँ पे 3, 4, 5. ठीक है, 2j में से माइनस करेंगे 2j आ गया, और 3k में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2k आ जाएगा. और फोर्स हमारे पास कितना दिया था, 2i, फोर्स लिख रहे थे यहाँ पे दिया था 2i-3j+2k. ठीक है, अब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको यहाँ पे डाल देंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू हो गया 2i-3j+2k. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, डिस्टेंस की वैल्यू डाल दी. डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, -2i, फिर उसके बाद -2j. ठीक है, ये माइनस का साइन है, -2j और -2k. ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद यहाँ पर हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 − 3 × -6 तो ये हो जाएगा +6 और +2 × -2 हो जाएगा -4. तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची रह जाएगी इसकी, -4. तो यहाँ पर आ जाएगा -4 2 − 4 तो ये आ गया हमारे पास -2. ठीक है, तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन. ठीक है, -2. तो इसमें कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला था, हमें डिस्टेंस देखनी थी, ए से बी तक गया तो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली और फोर्स हमारे पास दिया था, उसको डाल के हमने वर्क डन निकाल लिया. नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है जो व्यापम में आया हुआ है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होल्स 3 कॉन्टिनुअस, उसकी एजेस दी हुई है यहाँ पर. ठीक है, और उसका जो यहाँ पर ए दिया है, ए वेक्टर दिया है 2i-3j और बी वेक्टर का दिया है i+j-k और सी वेक्टर का दिया है 3i-k. ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकालनी है हमें इसकी पैरेललोपिपेड की. तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है, 2, इसकी वैल्यू डाल देंगे हम, इसका जो फॉर्मूला है वो उसी तरह से करेंगे, i की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे i j k. ठीक है, उसके बाद फिर b की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और उसके यहाँ की c की वैल्यू डाल देंगे. तो i की वैल्यू हमने डाल दी 2 और j की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और k तो था ही नहीं तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो b की वैल्यू क्या डालेंगे, i 1, j की 1, k की कितनी हो जाएगी, -1. ठीक, और c की वैल्यू क्या आ गई, 3i है, j कितना है, 0 है, कुछ है ही नहीं तो 0 ले लेंगे. ठीक, और k कितना है, -1. तो उससे अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या है, सीधा आंसर आ जाएगा. तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये 2, ठीक है, जैसे हमें 2 का देखना है. ठीक है, तो यहाँ से छुपा लेंगे ये वाली लाइन नहीं देखेंगे, इधर की देख लेंगे. तो 1 × -1 − 1 ये हो जाएगा. ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ये 0 हो जाएगा. ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे -3, यहाँ ऑलरेडी लगता है हमारा -3 और ये एक -3, तो मिला के क्या हो जाएगा, +3. ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको करेंगे तो 1 × -1 और उसके बाद माइनस का साइन यहाँ लगेगा और उसके बाद 3 × -3. ठीक है, और उसके 0 वाला तो टोटली 0 हो जाएगा. ठीक, और यहाँ पर होगा ये -2 और ये प्लस का साइन हो जाएगा, +3 − 1 + 3. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -2 और ये आ जाएगा यहाँ पर -3 में से,
प्लस थ्री इंटू ये कितना हो गया, थ्री टू सा माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो गया टू, और उसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर, ठीक है, फोर क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम वो पहला पॉइंट निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसमें के क्वेश्चंस क्या है, ये व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिए, सिंपल ही है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और हमारे पास ये दिया हुआ है टू वेक्टर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, टू आई प्लस सिक्स जे प्लस ट्वेंटी सेवन के, और आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, ठीक है, और हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेंगे आई जे के, ठीक है, और उसके यहाँ की टू की वैल्यू डाल देंगे टू सिक्स ट्वेंटी सेवन, और इधर के यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी वन लैम्डा म्यू, और ये इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आई के हमने इधर छुपा लिया, सिक्स इंटू म्यू, सिक्स म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन लैम्डा, ठीक है, और ये हो जाएगा आई वेक्टर का। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, जे वेक्टर के निकालेंगे यहाँ से, तो टू इंटू म्यू कर लेंगे, इधर का ऐसे रख लेंगे और यहाँ का ऐसे कर लेंगे, तो टू इंटू म्यू, टू म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन, ये हो जाएगा जे वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद के वेक्टर की बारी आएगी, तो के वेक्टर में कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ टू, ये हो जाएगा टू लैम्डा माइनस सिक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। नाउ हम यहाँ जीरो से कंपेयर कर लेंगे, तो माइनस टू म्यू प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल्स टू जीरो, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, और ये माइनस टू चला जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू ट्वेंटी सेवन अपॉन टू, ठीक है। और उसके बाद फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टू लैम्डा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों हमारा आंसर आ जाएगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू। तो यहाँ जितने क्वेश्चन है वेक्टर के देख लीजिए, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए वेक्टर के, सात आठ क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं। और उसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन के डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा बाकी और कौन से टॉपिक आपको मैथ्स के लिए बचे हैं, क्योंकि अब जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के लिए उसमें से एक एक ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रेंज हो गया, लिमिट्स हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वही बची हुई है। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक अभी चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, सिर्फ ओनली 10 डेज ही रह गए, 16 तारीख आज हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।